हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम टैक्सोनॉमी पार्ट। तो यहाँ पे मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चंस को कवर अप किया है जो आपके सिलेबस से हैं, क्योंकि सिलेबस में कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, उसके बाद कुछ फैमिलीज दी हैं, क्योंकि फैमिलीज और क्लासिफिकेशन सिस्टम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर अप किया है, पूरी फैमिली को नहीं, बल्कि एक फैमिली से सिर्फ दो तीन क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं और उनके चांसेस होते हैं कि कभी कभी आते ही हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाई। तो टैक्सोनॉमी जो टर्म है फर्स्ट टाइम APD कैंडोले ने कॉइन किया था। उसके बाद है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी हम किसे कहते हैं, कैरोलस लीनियस को। उसके बाद है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। तो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी हम विलियम रॉक्सबर्ग को कहते हैं। उसके बाद है, द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज डिस्क्राइब्ड बाय बेंथम एंड हुकर इन हिज क्लासिफिकेशन। तो बेंथम एंड हुकर ने अपनी क्लासिफिकेशन में कितनी फैमिलीज को डिस्क्राइब किया था, केवल 200 फैमिलीज को स्टार्टिंग में। उसके बाद है, द बुक फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो बुक फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमारी किसने लिखी है, हचिनसन ने लिखी है। फर्स्ट टाइम ये 1926 में आई थी एंड उसके बाद दो बार रिवाइज हुई 1959 एंड 1973 में। उसके बाद है, द क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय बेंथम एंड हुकर इज। तो बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था वो नेचुरल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम था, क्योंकि नेचुरल सिस्टम में प्लांट की एफिनिटीज या उसके कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को देख के क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद है, द क्लासिफिकेशन प्रपोज बाई हचिनसन इज। तो हचिनसन का जो क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक है। फाइलोजेनी में हमारा प्लांट की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख के हम क्लासिफाई करेंगे प्लांट्स को। और एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम, जैसे कि लीनियस का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। उसके बाद है, द क्लासिफिकेशन प्रपोज बाई बेंथम एंड हुकर पब्लिश्ड इन। तो बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन सी बुक में उनका पब्लिश हुआ था, जेनरा प्लांटेरम में, जो 1862 से 1883 तक चला। कई बार रिवाइज हुआ, कोई बार नई चीज़ ऐड हुई होगी, तो 1862 से 1883 तक ये चलता रहा। उसके बाद है, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज रिटन बाई। तो फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंपॉर्टेंट बुक है हुकर की, बेंथम एंड हुकर की नहीं, बल्कि केवल हुकर ने लिखी थी। उसके बाद है, द इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज रिटन बाई। तो ये बुक हमारा किसने लिखा था, 68 में लिखी थी, क्योंकि ऑर्थर कॉर्नक्विस्ट को यहाँ पे मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद है, एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज रिटन बाई। तो ये हमारा ऑर्थर कॉर्नक्विस्ट ने, ये भी हमारा ऑर्थर कॉर्नक्विस्ट ने ही लिखी थी 1981 में। उसके बाद है, हु डिवाइडेड एंजियोस्पर्म इंटू मैग्नोलियोप्सिडा एंड लिलियोप्सिडा। तो आर्थर कॉर्नक्विस्ट ही वो थे जिनने मैग्नोलियोप्सिडा डाइकोट के लिए टर्म यूज किया था और लिलियोप्सिडा मोनोकोट के लिए। उसके बाद है, क्लासिफिकेशन प्रपोज बाई आर्थर कॉर्नक्विस्ट इज। तो आर्थर कॉर्नक्विस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसमें फाइलोजेनिया इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख के प्लांट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। उसके बाद है, हचिनसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइड एंजियोस्पर्म फैमिलीज इनटू। तो इनने 411 फैमिलीज में एंजियोस्पर्मिक प्लांट को डिवाइड किया था हचिनसन ने। उसके बाद है, 24 प्रिंसिपल ऑफ फाइलोजेनी वॉज प्रपोज्ड बाई। तो 24 प्रिंसिपल ऑफ फाइलोजेनी ये भी हचिनसन ने दिया था, जिसमें वो प्रिमिटिव और एडवांस करेक्टर को बताते हैं कि ओवरी प्रिमिटिव किस टाइप की होगी और सुपीरियर इन्फीरियर, ये सारा हचिनसन ने ही बताया था 24 प्रिंसिपल ऑफ फाइलोजेनी में, कौन सा एडवांस करेक्टर है कौन सा प्रिमिटिव है, जनरली ये बताया था इनने इसमें। उसके बाद है, हु डिवाइडेड डाइकोटिलिडन्स इनटू लिग्नोसी एंड हर्बेसी। तो केवल डाइकोटिलिडन को लिग्नोसी एंड हर्बेसी में हमारा हचिनसन ने ही क्लासिफाई किया था। उसके बाद है, अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ सम फैमिलीज। तो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो पहले उनका नाम कुछ अलग था और अभी कुछ अलग है, बिकॉज ऑफ ये रूल्स ऑफ ICBN या इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर जो ICN कहा जाता है जिसे, अब उसके अकॉर्डिंगली ये वैलिड नहीं थे, इसलिए इनके नाम चेंज किए गए। तो नए नाम क्या हैं, पुराने नाम क्या हैं, आपको याद होना चाहिए। कभी कभी किसी एक फैमिली का पूछ लेता है तो
तो जो एरिकेसी फैमिली है उसे पहले पामी कहा जाता था, पोएसी को ग्रेमिनी, ब्रैसिकेसी को क्रूसीफेरी, फेबेसी को लेग्यूमिनोसी, जबकि क्लोएसी को गटीफेरी, एपिएसी को अम्लीफेरी, लेमिएसी को लेबिएटी, अस्टीरेसी को कंपोजिटी, ये इनके अल्टरनेटिव नेम हैं। उसके बाद है विच एंजियोस्पर्मिक फैमिली इज नोन एज बटरकप फैमिली, तो हम रेनानकुलेसी को बटरकप फैमिली कहते हैं और बटरकप जीनस हम रेनानकुलस को कहेंगे। उसके बाद है विच एंजियोस्पर्मिक फैमिली इज नोन एज क्रोफुट फैमिली, तो वो भी हम रेनानकुलेसी को ही कहते हैं। उसके बाद है लार्क स्पर जिसे हम डेल्फिनियम कहते हैं, बिलोंग्स टू विच फैमिली, ये एक इंपॉर्टेंट जेनरा है हमारा रेनानकुलेसी का लार्क स्पर। उसके बाद है विच मेंबर ऑफ फैमिली रेनानकुलेसी इज जनरली क्लाइंबर, तो जो वुडी क्लाइंबर हैं हमारे रेनानकुलेसी में उसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है क्लीमेटिस, जिसे वर्जिन्स बुअर भी कहा जाता है। उसके बाद है विच मेंबर ऑफ फैमिली रेनानकुलेसी इज द सोर्स ऑफ काला जीरा और ब्लैक फेनल जिसे हम कहते हैं, तो नाइजेला स्टाइवा ऐसा प्लांट है रेनानकुलेसी का जो काला जीरा सीड्स जिसके होते हैं उसे हम काला जीरा कहते हैं उसके सीड्स को। उसके बाद है ओवरी इन रेनानकुलेसी इज, तो रेनानकुलेसी का इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे एपोकार्पस ओवरी होती है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कार्पल फ्यूज्ड नहीं होते, अगर फ्यूज्ड होंगे तो उस कंडीशन को हम सिनकार्पस ओवरी कहते हैं, तो यहाँ पे कार्पल फ्यूज ना होके फ्री रहते हैं जिसे एपोकार्पस कंडीशन कहा जाता है। उसके बाद है अदर इंपॉर्टेंट प्लांट्स बिलोंग्स टू फैमिली रेनानकुलेसी आर थैलिक्ट्रम, एनिमोन, एकोनिटम एंड कैल्था, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट प्लांट हैं जो रेनानकुलेसी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म बिलोंग्स टू ऑर्डर, तो जो मैग्नोलियल्स ऑर्डर है प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म का उसमें फैमिली मैग्नोलियसी को सबसे प्रिमिटिव फैमिली माना जाता है जनरली। उसके बाद है पेलुसिड ग्लैंड्स फिल्ड विथ इसेंशियल ऑयल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली, तो इसेंशियल ऑयल फिल्ड विथ पेलुसिड ग्लैंड, तो पेलुसिड ग्लैंड में जो एसेंशियल ऑयल होता है वो किस फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसेंशियल ऑयल हमारा जनरली लेमिएसी, रूटेसी इन सब में देखने को मिलते हैं और पेलुसिड ग्लैंड हमारा रूटेसी में देखने को मिलेगी। उसके बाद है फैमिली रूटेसी बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, तो जिरेनियल से एक ऐसा ऑर्डर है फैमिली रूटेसी इसमें आती है। उसके बाद है फैमिली रूटेसी बिलोंग टू विच सीरीज ऑफ पॉलीपिटेली, आपको पता है कि बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में तीन चीज़ें हैं, एक पॉलीपिटेली है डाइकोटिलेडन में, दूसरा गैमोपिटेली, तीसरा मोनोक्लेमाइडी, तो जो पॉलीपिटेली है उसकी डिस्क की फ्लोरी सीरीज में रूटेसी को रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है फ्रूट के बेस पे, थैलेमस पे, थैलेमस यहाँ पर डिस्क शेप्ड होता है दैट मीन्स, इसलिए इसे डिस्क की फ्लोरी में रखा गया है। उसके बाद है द करेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ सिट्रस इज नोन एज, फैमिली सिट्रेसी का नहीं बल्कि केवल सिट्रस जीनस, सिट्रस एक वाइड स्प्रेड जीनस है, तो इसका जो फ्रूट होता है करेक्टरिस्टिक उसे हम हेस्परडियम कहते हैं। उसके बाद है पॉली एम्ब्रियोनीज ऑफन अकर इन द फैमिली, तो अगर हम पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल जब पढ़ते हैं तो सिट्रस फ्रूट का ही पढ़ते हैं, तो वो रूटेसी में हमें देखने को मिलती है पॉली एम्ब्रियोनी जनरली। उसके बाद है इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ रूटेसी, अदर इंपॉर्टेंट प्लांट क्या हैं, सिट्रोन है जैसे सिट्रस मेडिया मेडिका सॉरी, उसके बाद लेमन है नींबू सिट्रस लाइमन, लाइम है कागजी नींबू सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, नारंगी जिसे हम सिट्रस ऑरेंटियम कहते हैं, माल्टा सिट्रस साइनेंसिस, संतरा सिट्रस रेटिकुलाटा, कीनू को हम कहते हैं सिट्रस नोबिलिस एंड सिट्रस रेटिकुलाटा का हाइब्रिड, जब कोई भी दो स्पीसीज के बीच में हाइब्रिड का साइन होता है तो इसका मतलब वो उन दोनों से मिल उनको उनके क्रॉस से एक नया हाइब्रिड बना है, जैसे कि यहाँ पे कीनू। अगला है अदर इंपॉर्टेंट प्लांट्स आर एगल मार्मेलस जिसे हम बेल कहते हैं, फेरोनिया लिमोनी, वुड एप्पल जिसे हम कहते हैं, जेंथोजैलम जो कि एक इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, तेजपात जिसे हम कहते हैं, और मुरैया जो हम मीठा नीम जिसे कहते हैं। मीठा नीम जनरली मेलिएसी से बिलोंग नहीं करता है, दैट मीन्स कि ये ट्रू नीम नहीं है बल्कि रूटेसी से बिलोंग करता है, जो ट्रू नीम है हमारा एजा डायरेक्ट का इंडिका वो हमारा मेलिएसी से बिलोंग करता है। उसके बाद है द थर्ड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट की थर्ड लार्जेस्ट फैमिली हमारा फेबेसी है, जबकि फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली एस्टिरेसी, सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑर्किडेसी जो कि एक मोनोकॉट से है।
उसके बाद है फैमिली फेबेसी बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, तो रोजेल्स ऑर्डर से फैमिली फेबेसी बिलोंग करती है। एंड फैमिली फेबेसी बिलोंग टू विच सीरीज ऑफ पॉलीपिटेली, तो पॉलीपिटेली में तीन सीरीज हैं, थैल्मेफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी, तो हमारा कैल्सीफ्लोरी से हमारा फेबेसी बिलोंग करती है। उसके बाद है फेबेसी इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फैमिलीज, तो फेबेसी को जनरली थ्री सब फैमिलीज में डिवाइड किया गया है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी फैमिली है, जैसे कि पेपिलिनियोइडी या पेपिलियोनेसी भी हम इसे कहते हैं, कैसिल्पिनेसी, कैसिल्पिनी भी हम इसे कहते हैं, या मिमोसी या मिमोसोइडी इस तरीके से कहते हैं, लेकिन ये सब नाम एक ही हैं। उसके बाद है लोमेंटम या पॉड इज द करेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ विच फैमिली, तो फेबेसी फैमिली का पॉड फ्रूट होता है या जिसे हम लोमेंटम कहते हैं, आप सभी को पता होगा। उसके बाद है पल्सेस, बीन्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड ऑल आर बिलोंग्स टू पेपिलियोनेसी, तो जितने भी पल्सेस हैं या बीन्स है, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी जितनी पल्सेस क्रॉप हैं जनरली, वो सब फैमिली पेपिलियोनेसी से बिलोंग करती हैं। उसके बाद है अदर इम्पोर्टेंट प्लांट्स ऑफ पेपिलियोनेसी आर क्रोटुलारिया जेंसिया, जो सन हेम है, मैंने फाइबर यील्डिंग प्लांट्स में आपको बताया था, तो वो भी हमारा पेपिलियोनेसी से बिलोंग करता है। डालबर्जिया सिस्को, सीसम हमारा इसी से बिलोंग करता है। टेरोकार्पस, अल्फा अल्फा, ट्राइफोलियम, इंडिगोफेरा, टिंक्टोरिया, जो इंडिगो डाई का इम्पोर्टेंट सोर्स है, और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो जिसे हम ठाक का प्लांट कहते हैं, वो सारे पेपिलियोनेसी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है अशोका ट्री या सारका अशोका बिलोंग्स टू विच सब फैमिली ऑफ फेबेसी, तो अशोका ट्री हमारा कैसिल्पिनी से बिलोंग करता है। उसके बाद है अदर इम्पोर्टेंट प्लांट्स ऑफ कैसिल्पिनी आर टेमिरेंडस, जिसे हम इमली कहते हैं, कैसिया फिस्टूला, अमलतास जिसे हम कहते हैं, बोहोनिया, वेरीगाटा, कसनार इसे हम कहते हैं, एंड हिमेटोजाइलोन, जो कि सोर्स है हिमेटोजाइलिन डाई का, एंड पर्किनसोनिया, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लांट हमारे कैसिल्पिनी से बिलोंग करते हैं, सब फैमिली कैसिल्पिनी। उसके बाद है अकेसिया एंड छुईमुई प्लांट्स बिलोंग टू विच फैमिली, तो ये दोनों प्लांट हमारा मिमोसी से बिलोंग करते हैं। एंड द बॉटनिकल नेम ऑफ सेंसिटिव प्लांट या छुईमुई, तो मिमोसा पुडिका छुईमुई का बॉटनिकल नेम होता है। उसके बाद है अदर इम्पोर्टेंट प्लांट्स ऑफ सब फैमिली मिमोसी, तो मिमोसी सब फैमिली के अदर इम्पोर्टेंट प्लांट क्या हैं, अकेसिया नीलोटिका, या हाँ अकेसिया नीलोटिका सब स्पीसीज इंडिका, यहाँ पे आई कैपिटल हुआ जबकि स्मॉल में होना चाहिए, इसका कॉमन नेम बबूल है। उसके बाद है अल्बिजिया लेबेक, तो ये सीरीज है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कभी 11th 12th क्लास में सीरीज के फूल करके, तो वो यही सीरीज है एल्बिजिया लेबेक, जिसे हम कहते हैं बिलोंग टू फैमिली मिमोसी, सब फैमिली मिमोसी। उसके बाद है अकेसिया कटेचू, जिसे हम खैर कहते हैं, अकेसिया सेनेगल, जिसे गम अरेबिक प्लांट भी कहते हैं। उसके बाद है स्कारलेट पिंपरनेल, स्कारलेट पिंपरनेल को हम एनागेलिस अरवेंसिस कहते हैं, बिलोंग्स टू विच फैमिली, यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि प्रीमुलेसी फैमिली भी आपके में इंक्लूड कर दिया, जो कि एक छोटी सी फैमिली है, ज़्यादा मोस्ट कॉमन तो नहीं है, इससे क्वेश्चन कम ही मिलते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इंक्लूड किया तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया कि इसका कॉमन जो जीनस है एनागेलिस अरवेंसिस या स्कारलेट पिंपरनेल जिसे हम कहते हैं, कॉमनली वीट की तरह मिलता है आसपास खेतों में, तो वो प्रिमरोज या प्रिमुलेसी से फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद है फैमिली रोजेसी इंक्लूड पायरस मेलस, जिसे हम एप्पल कहते हैं, पायरस कम्युनिस, जिसे हम पियर कहते हैं, एंड प्रूनस पर्सिका पीच, ये सारे फ्रूट हमारे फैमिली रोजेसी से बिलोंग करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इसमें एडिबल फ्रूट की फैमिली है, और भी बहुत सारे फ्रूट यहाँ पे आते हैं, आप देख लेना। उसके बाद है स्ट्रॉबेरी बिलोंग्स टू विच जीनस, तो स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम है फ्रेजारिया वेस्का, स्पीसीज डिफरेंट हो सकती है लेकिन जीनस है हमारा फ्रेजारिया। उसके बाद है डोकस कैरोटा बिलोंग्स टू विच फैमिली, तो डोकस कैरोटा हम जिसे कैरेट कहते हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, एपीएसी से, एपीएसी को हम और क्या कहते हैं, एमलीफेरी। उसके बाद है अम्बल इन्फ्लोरेसेंस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली, तो अम्बल इन्फ्लोरेसेंस हमारा एपीएसी का ही करेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद क्रीमोकार्प फ्रूट है, वो भी हमारा एपीएसी का इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद है स्टिलोपोडियम एट द अपेक्स ऑफ फ्रूट, तो जितने भी एपीएसी के फ्रूट हैं वहाँ पर स्टिलोपोडियम एक अपेक्स पर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद है अदर इंपॉर्टेंट प्लांट्स बिलोंग टू फैमिली एपीएसी आर कोरिएंडरम सटाइवम, फोनिकुलम वुलगेर, कैरम कॉप्टिकम जिसे अजवाइन कहते हैं, कोमिनम साइमिनम, जीरा जिसे हम कहते हैं, और एफियम
एफियम, यहाँ पर स्पीसीज नेम थोड़ा अलग हो गया, और एफियम जो भी है वो सीलेरी का प्लांट है, फेरुला एस्फोइटिडा ये हींग का प्लांट है हमारा, जिससे हींग इम्पोर्टेंट मिलता है हमें। उसके बाद है सेंटेला एसियाटिका या ब्राह्मी जिसे हम कहते हैं, इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, तो ये सभी हमारे एपीएसी से बिलोंग करेंगे। उसके बाद है द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज, तो सबसे लार्जेस्ट फैमिली मैंने आपको बताया था कि एस्टिरेसी है, जिसे हम देसी फैमिली या सनफ्लावर फैमिली भी कह सकते हैं। उसके बाद है फैमिली एस्टिरेसी बिलोंग टू विच सीरीज ऑफ गैमोपिटेली, तो अभी तक हम पॉलीपिटेली पढ़ रहे थे सॉरी, तो पॉलीपिटेली में कुछ फैमिलीज को पढ़ा, उसके बाद हम गैमोपिटेली में आते हैं जहाँ पर अलग अलग सीरीज हैं जैसे कि इनफेरी बाइकार्पिलेटी, तो हमारा जो एस्टिरेसी फैमिली है वो इनफेरी सीरीज से बिलोंग करती है गैमोपिटेली की। उसके बाद है कैपिटुलम इज़ द करेक्टरिस्टिक फ्लोरल अरेंजमेंट इन फैमिली, तो कैपिटुलम हमारा करेक्टरिस्टिक फ्लोरल अरेंजमेंट कौन सी फैमिली का फीचर है एस्टिरेसी का। इससे पहले आप बताएंगे कि इनफेरी में क्यों रखा गया है एस्टिरेसी फैमिली को, क्योंकि यहाँ पे ओवरी इन्फीरियर ओवरी होती है, और इन्फीरियर ओवरी से आप क्या समझते हैं अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर करना। उसके बाद है फ्लावर्स आर डिवाइडेड इंटू रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट इज फाउंड इन, तो जो एस्टिरेसी फैमिली है इसीलिए उसका नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे फ्लावर मिलके एक इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं जो एक फ्लावर की तरह दिखता है, और उसमें कुछ रे फ्लोरेट होते हैं जो साइड पे होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर के फ्लावर में देखा होगा आपने, फ्लावर में नहीं बल्कि इन्फ्लोरेसेंस में, तो किनारे पे होते हैं उन्हें हम रे फ्लोरेट फ्लावर कहते हैं, और जो बीच में होते हैं उसे हम डिस्क फ्लोरेट। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है एस्टिरेसी का, सभी प्लांट में एस्टिरेसी का जनरली देखने को मिल जाता है। उसके बाद है इन एस्टिरेसी कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू, तो जो कैलिक्स है सबसे आउटर वाले सेपल, हाँ सेपल, जो सेपल की लेयर होती है, सेपल के अलग अलग पार्ट से हम कैलिक्स कहते हैं, तो वो कैलिक्स हमारा किस में मॉडिफाई हो जाता है, पेपर्स में, जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। इन एस्टिरेसी यूजुअली एंथर आर यूनाइटेड बट देयर फिलामेंट आर फ्री, दिस कंडीशन इज नोन एज, तो जब एंथर हमारे यूनाइटेड हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे, लेकिन फिलामेंट फ्यूज नहीं रहेंगे, तो उस कंडीशन को हम सिनजेनेसियस कंडीशन कहेंगे, और ये एस्टिरेसी के सभी एंथर्स में ऐसा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन फैमिली एस्टिरेसी इज, तो जो एस्टिरेसी में प्लेसेंटेशन का टाइप है वो बेसल प्लेसेंटेशन है, और यहाँ पे ओवरी भी हमारा यूनिलोक्युलर होती है। उसके बाद है द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ फैमिली एस्टिरेसी, तो फैमिली एस्टिरेसी का कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है सिप्सेला। उसके बाद है भृंगराज या एक्लिप्टा प्रोस्टाटा जिसे हम कहते हैं, प्रोस्टाटी हो गया यहाँ पे, प्रोस्टाटा है, तो एक्लिप्टा प्रोस्टाटा हमारा भृंगराज बिलोंग टू फैमिली एस्टिरेसी, ये भी एस्टिरेसी का मेंबर है। एंड उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट सारे ऑर्नामेंटल फ्लावर हैं और बहुत सारे वीड हैं जैसे कि हेलियंथस एनस, टेजिटस, कैरेट ग्रास, जैसे पार्थिनियम जिसे हम कहते हैं, क्रिसेंथेमम, तो ये सारे मेंबर हमारे एस्टिरेसी से बिलोंग करते हैं। और भी हैं जैसे कि एडिनोफोरा, एजिरेटम और पार्थिनियम मैंने आपको बताया, और इनमें से जो क्रिसेंथेमम है इम्पोर्टेंट सोर्स है एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, तो वो इंसेक्टिसाइडल या ड्रग है कोई जो भी है, वो अगर आपको पता होगा इम्पोर्टेंट है तो कमेंट में उसे आंसर करना, क्रिसेंथेमम से हमें कौन सा इम्पोर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिलता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही फैमिलीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।